हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई मुस्लिम असलम। दिस इज़ अ लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन दिस ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ बेसिक डेटा टाइप। सो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था स्टैंडर्ड इनपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट। आई होप आपको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हम देखेंगे बेसिक डेटा टाइप। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक डेटा टाइप को। सी एंड सी प्लस प्लस में जो बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, बिल्ट इन, यूज़र डिफाइंड एंड ड्राइव। ये आपको दिख रहे हैं, बिल्ट इन, यूज़र डिफाइंड एंड ड्राइव। तो बिल्ट इन जो है उसको हम प्री डिफाइंड या डिफॉल्ट से भी, मतलब डिफॉल्ट भी से बोला जाता है, विच इज़ अगेन ऑफ थ्री टाइप्स। इंटीगर टाइप्स, ये इसमें टू होते हैं, इंटीजर एंड कैरेक्टर। वाइड है आपका सेकंड, थर्ड है आपका फ्लोटिंग। फ्लोटिंग के अंदर आता है फ्लोट एंड डबल। यूज़र डिफाइंड के अंदर आता है आपका स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, न्यूमरेशन। ड्राइव के अंदर आता है एरे, फंक्शन, पॉइंटर एंड रेफरेंस। तो आज अभी हम देखेंगे व्हाट इज़ अ बिल्ट इन डेटा टाइप। बिल्ट इन डेटा टाइप क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। उसके अंदर आपका आता है void को समझते हैं सबसे पहले कि void क्या होता है। तो जो void है उसका मतलब क्या है, void किसके हिसाब से यूज़ होता है। फर्स्ट तो void टू स्पेसिफाई द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। सेकेंड इसका यूज है टू इंडिकेट एन एम्प्टी आर्गूमेंट लिस्ट टू अ फंक्शन। तो एक तो एम्प्टी आर्गूमेंट लिस्ट भी आप बनाते हैं, void यूज़ कर सकते हैं, और फर्स्ट आप रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करने के लिए भी void का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एंड डबल। तो इंटीजर क्या है उसको समझते हैं, व्हाट इज़ इंटीजर। इंटीजर के अंदर आपका आता है इंट। तो इसको जो आप इंटीजर को डिनोट करते हो, सॉरी इंट से डिनोट करते हो, ये आपका 2 byte मेमोरी स्पेस लेता है। तो 2 byte मेमोरी स्पेस ईच इंटीजर कैन बी शॉर्ट, लॉन्ग, साइन एंड अनसाइन। तो जो साइन और अनसाइन का इतना यूज़ नहीं होता है, बस आपको पता होना चाहिए इसकी रेंज क्या होती है। इसकी रेंज जो होती है वो होती है आपकी -2768 to 32767 तक, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर को जो डिनोट किया जाता है वो कैर से किया जाता है, इंटीजर को इंट से किया जाता है, कैरेक्टर को कैर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये एक्यूपाइड करता है 1 byte मेमोरी स्पेस, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो कैन बी शॉर्ट, लॉन्ग, साइन और अनसाइन, और इसकी रेंज जो होती है -128 to 127। तो बट इसकी रेंज बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू इंटीजर। इसके बाद आता है आपका फ्लोट, पर इसको आप क्या करते हैं, इसको फ्लोट से ही डिनोट करते हैं, इसको फ्लोट से ही शो करते हैं। ये एक्यूपाइड करता है 4 byte मेमोरी स्पेस, और आप इसकी रेंज जो होती है वो होती है 3.4e-38 to 3.4e+38, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इसकी जो आपको मैं ये रेंज बता रही हूँ, ये इसको आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बस इनका वाइट याद रखिए, इनकी मेमोरी स्पेस याद रखिए, ठीक है। फिर आता है आपका डबल। डबल जो है वो आपका लेता है 4 byte एक्यूपाइड करता है मेमोरी स्पेस, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है आपकी 1.7e-308 to 1.7e+308। तो ये जो रेंज है इसका मीनिंग ये है कि इसकी रेंज में जितनी वैल्यूज़ आएंगे उतने टाइप के डबल या फ्लोट या कैरेक्टर और इंटीजर में भी हम ले सकते हैं। तो इसके बीच में जितने नंबर्स आएंगे उतने नंबर्स ऑफ इंटीजर हम लोग ले सकते हैं। तो ये है आपका बिल्ट इन डेटा टाइप। आई होप आपको बिल्ट इन डेटा टाइप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम यूज़र डिफाइंड की बात करेंगे, फिर ड्राइव देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।